आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं माफिया शो। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध भर के अंदर फैंसी नंबर प्लेट और टिंटेड ग्लासेस की जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ जो है वो एक्शन का स्टार्ट हो गया है। आज हम बात करेंगे इस शो के अंदर और आपको दिखाएंगे कि कराची के अंदर किस हद तक गाड़ियां जो हैं वो टिंटेड ग्लासेस के अंदर जो है वो शहर भर के अंदर मूव होती हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का ये कहना है और सिंध पुलिस का कि शहर भर के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़, उसके अंदर ये जो टिंटेड ग्लासेस गाड़ियां हैं वो ज़्यादा तादाद में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। आइए चलते हैं और शहर के डिफरेंट इलाकों का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस हो या सिंध पुलिस, उसकी जानिब से ये जो टिंटेड ग्लासेस गाड़ियां हैं और फैंसी नंबर प्लेट गाड़ियां हैं इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। आइए चलते हैं। ये इसका परमिट है भाई आपके पास? नहीं, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तो पाबंदी है इसके ऊपर। फैमिली बेटा किसी को लॉ नहीं मिला बेटा, फैमिली के लिए नहीं। तो ये किस किस सिनेरियो में लगाया हुआ? अच्छा, लाइसेंस कहाँ है बेटा आपका? तो इससे पहले भी रोका है आपको कहीं? ये तो स्ट्रिक्ट पाबंदी है इसके ऊपर, टिंटेड ग्लासेस के ऊपर। भाई क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये सही पाबंदी लगाई है हुकूमत ने या नहीं? जी बेटा, क्या चेक कर लूं बेटा? एनएसी बेटा, वो मोबाइल में। अच्छा, जो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे शहरी को रोका है, इनकी गाड़ी के ग्लासेस भी टिंटेड हैं और दूसरी जानेब ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। जब एनआईसी मांगी गई है तो एनआईसी भी फ़ोन के ऊपर है। देखते हैं कि इनके खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की जाती है। अब्दुल मुईद, तो किस चीज़ का चालान काट रहे हैं इनका? टिंटेड ग्लासेस का प्लस लाइसेंस। तो आप कह रहे हैं कि इससे पहले आपको कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हैं अभी? अच्छा, 10 दिन में नहीं रोका कहीं पर आपको? एनएसी नंबर क्या बेटा? इनके अगेंस्ट जो है वो चालान हो रहा है और टिंटेड ग्लासेस का भी और ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस भी। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और दीगर गाड़ियों के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई हो रही है। ये आपकी गाड़ी के ग्लासेस जो हैं टिंटेड हुए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट सिंध ने बड़ी स्ट्रिक्टली इसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई है, क्या कहेंगे? वो हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। देखिए, ये मोबाइल चोरी हो जाते हैं, स्नैचिंग हो जाती है, सही, लूट लेते हैं। अब ये जब ये शीशे काले होते तो जो लूटने वाले उनको पता नहीं होता कि पीछे कौन बैठा हुआ है। तो ये कब से सर आपकी गाड़ी के कब से ग्लासेस आपके टिंटेड हैं? ये तो तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए तो इससे अभी काफ़ी दिन होगा इस पर पाबंदी लगी है, अभी तक आपको किसी ने रोका नहीं ट्रैफिक पुलिस ने? एक दफा रोका था लेकिन रिक्वेस्ट की थी, यही बात की थी, दोनों को समझ में आ गई थी, छोड़ दिया। क्योंकि बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं टिंटेड ग्लासेस की गाड़ियों के अंदर, हम देखते हैं। आप देखें ना, वो तो हम लोग कैसे, हम तो अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं ना। सही, तो कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस ने पैसे वैसे लेके छोड़ दिया हो? नहीं नहीं नहीं, पैसे तो नहीं देते हम, तो वैसे हमें देख के वो कर देते हैं। सही, तो अब ये क्या आपका क्या चला अभी? चले, हमने तो अपनी सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। नहीं तो सर, ये तो अब आपको उतारने पड़ेंगे ना, ये उतार देते हैं अभी, क्या करें? क्योंकि फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर से तो नहीं लड़ सकते। जी जी जी, उतार देते हैं, लेकिन ये हमारी सेफ्टी है। अभी ये अगर ये ग्लास नहीं होते तो फिर कोई ना कोई डाकू पीछे लग जाता है, मोबाइल छीन लेता है। तो भाई ये तो कह रहे हैं कि डाकू पीछे लग जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए लगाए हुए, तो गवर्नमेंट ने पास हमको जो सेक्शन अपनाना वाला की सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से हम उस पर अमल कर रहे हैं। हमारे आईजीपी सिंह साहब, डीआईजी साहब, हमारे एसएसपी साहब, उनके हमें इंस्ट्रक्शन है कि टिंटेड ग्लासेस, अपना रिवॉल्विंग लाइट। तो अब क्या अभी क्या इनका चालान काट रहे हैं? बिल्कुल, इनका चालान काटेंगे जो हमारा ऑर्डर है। सही, तो व्यूअर्स जैसा कि आपने सुना कि अब इस गाड़ी का भी जो है चालान काटा जा रहा है, लेकिन
जो गाड़ी चलाने वाले हजरत हैं इनका ये कहना है कि बिल्कुल अगर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है तो हम अपने जो इनके ग्लासेस स्टैंडर्ड हुए हैं इनको हटाते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरी गाड़ी के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है। यहाँ पे करोला गाड़ी रोकी गई है और इनको देखते हैं कि सलाम अलैकुम, ये आपकी गाड़ी के ग्लासेस स्टैंडर्ड हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो पाबंदी है, शीशा तो नीचे करें आप। वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बना रहे। नहीं तो आप ये बताएं डिपार्टमेंट का होता है, कहाँ से? फॉरेनर मिनिस्ट्री में होता है। फॉरेनर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। नाम क्या है आपका भाई? अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बना है ना। नाम क्या है आपका? क्या 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 एक्शन इनसे चेक करें इनका? ये कह रहे हैं कि किसी हजरत से जो है ये बात कराएंगे और ये बता रहे हैं फॉरेनर सर्विस कुछ डिपार्टमेंट से जो है इनका ताल्लुक है और वीडियो बनाने को भी मना कर रहे हैं। देखते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेते हैं। आप हमारे हमारे सामने आते हैं, प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम उसको फेस करते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं जो भी है। तो अभी आपने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे? अभी ये बात करवा रहे हैं, बोले डॉक्यूमेंट्स। क्या बताया इन्होंने? वो बता रहे हैं, बोले जी मेरे अंकल से बात कीजिएगा, देखे इनके अंकल कहाँ होते हैं। ओके, अब देखते हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे अंकल से बात कराएं, तो अब इनके अंकल से बात कराते हैं। ये जो है अभी एक जो लेक्सस गाड़ी रोकी थी, ट्रैफिक पुलिस ने जो है टिंटेड ग्लासेस का उसके ऊपर चलान किया है। ये उनका चलान है, लेकिन इनका ये कहना है कि अभी जो इनके ग्लासेस कलर्ड हुए हैं इसको जो है ये उतरवा देंगे। इसका कोई परमिट वर्मिट लिया आपने? आपको परमिट कह रहे हैं फेडरल और सुबह आपको परमिट सब कैंसिल कर दिए हैं गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो टिंटेड गाड़ियों के अंदर जो है वो होती हैं। तो इस पर आप क्या क्या कहेंगे कि क्या ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से? यार उनको पकड़े जो कर रहे हैं, फैमिली वालों को भी रोका जा रहा है बिला वजह। नहीं तो आप कह रहे हैं काफ़ी टाइम से आपकी गाड़ी टिंटेड है, कभी रोका नहीं। तो क्या कभी ट्रैफिक पुलिस ने पैसे वैसे लेके भी छोड़ा है? सही, जब मेरा परमिट नहीं था तब पैसे लेके, जब परमिट था तब भी पैसे देके कभी कभार छोड़ा है। तो फायदा नहीं है ना, ये चालान भी तो मैं दे रहा हूँ, जबरदस्ती दे रहा हूँ। नहीं तो क्या आप अभी गाड़ी भी होती है? नहीं तो इन्होंने आपकी गाड़ी के ग्लासेस जो थे उसका टेंट उतारा है? नहीं नहीं उतारा, पैसे नहीं होते। तो आपने टेंट क्यों नहीं उतारा, उस गाड़ी के शीशे का कवर क्यों? बोला मेरे को जलती है, अभी अभी मेरे को आगा खान जाना है, आगा खान जाना है। पैसे निकाले फिर उनको दिए, लाके पैसे दे रहा हूँ, वापस जाने मुझे। तो क्या अब आपका क्या फ्यूचर क्या प्लान है, उसको उतारेंगे या उसको रहेंगे? अभी बार बार रोकेंगे तो कैसे चलेगा, हर वक्त थोड़ी 1200 रुपए का चालान भरते रहेंगे हम। सही, तो इनकी भी गाड़ी टेंटेड थी और ट्रैफिक पुलिस ने इनका चालान किया है, लेकिन अब इनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है तो वो जो ग्लासेस टेंटेड है हम उनको उतार देंगे। आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं कि ये करोला गाड़ी को रोका गया है जिसके अंदर जो है दो इश्यूज आ रहे हैं। एक तो इनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो भी फैंसी है और स्पेशली फ्रंट के ऊपर जो है नंबर प्लेट जो है वो मेंशन नहीं की गई है, बैक साइड के ऊपर जो है इसकी नंबर प्लेट लगाई गई है जो कि वो भी फैंसी है। और पूरी गाड़ी इवन दो इस पर आगे जो है पुलिस की लाइट्स भी लगाई हुई हैं। अब ये जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं इन्होंने किसी को कॉल की है, किसी हजरत को, और वो जो है यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस के DSP हैं उनसे बात करवा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है या जिनसे बात हो रही है उनको इस तरह जो है वो जाने दिया जाएगा। दो तीन लोगों से जो है ड्राइवर ने बात करवाई है, अब ना इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस से भी जो है तू तो मैंने की जा रही है और आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं। दो दफ़ा जो है बताया गया कि फ़लाँ DSP की गाड़ी है, फ़लाँ पुलिस अफसर की गाड़ी है। इनिशली बताया गया पता नहीं हम फ़लाँ डिपार्टमेंट से हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि अच्छा मज़े की बात एक और भी है इसमें कि पुलिस की लाइट्स भी जो हैं
वो भी लगी हुई है गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप कि गाड़ी के लॉक्स भी नहीं खोले जा रहे हैं और शीशा भी जो है रोल ओवर कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये गाड़ी हम लोग फ्रीज कर रहे हैं, अपनी कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं दे रहे, लिहाजा इसकी गाड़ी हम आप पहले तो उनकी गाड़ी की चेकिंग भी तो करेंगे, इस गाड़ी के अंदर कोई इलीगल सामान तो नहीं पड़ा हुआ है, वो तो मान लिया गया, फ्रीज करेंगे तो उसको चेक करके बैठ जाओ बेटा साहब। आइए चौकी पे, यहाँ जा रहे हैं हम लोग सामने। अब गाड़ी को जो है चौकी पे ले जाया जा रहा है, फर्दर जो इसके खिलाफ एक्शन लेना है, क्योंकि अभी तक जो है कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं कराए गए हैं, पुलिस वाले जो है एस्कॉर्ट करके इस गाड़ी को जो है चौकी की तरफ लेके जा रहे हैं। आइए चलते हैं, गाड़ी को जो है ट्रैफिक चौकी के ऊपर ले जाया जा रहा है, देखते हैं कि फर्दर क्या इनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो गाड़ी का ड्राइवर है ना तो वो डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हैं, गाड़ी के टिंटेड इवन दो फ्रंट जो ग्लास है वो भी जो है फुली टिंटेड है और अंदर जो है पुलिस की लाइट्स भी लगी हुई हैं। दो दफ़ा उन कोशिश की ड्राइवर ने कि जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस DSP थे उनसे किसी बासर अफराद की बात कराई जाए, लेकिन वो किसी भी उसमें नहीं आए, लेकिन अब देखते हैं कि फर्दर जो है इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है और इनसे भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कौन से वो लोग हैं इनके पीछे जिन्होंने इनको ये इख्तियार दिया कि ये अपनी गाड़ी के ग्लासेस टिंटेड कराएं विदाउट परमिट। आइए चलते हैं चौकी की जानिब। सिक्योरिटी थ्रेट है जिस वजह से उन्होंने कराया। नहीं, पुलिस में कौन से रैंक पे हैं, क्या नाम है उनका? वो सब इंस्पेक्टर है, नाम नहीं बताया। सब इंस्पेक्टर हैं जी। तो ये उनकी गाड़ी है, ये गाड़ी उनके नाम पे है? ये गाड़ी तो मेरे दादा के नाम पे असल में। अच्छा, वो चलाते हैं। ओके, ये तो उन्होंने करा, मैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी आता हूँ पढ़ने, मुझे नहीं पता। देखिए चालान कर ले, उतारे नहीं, मैं खुद उतार ले। नहीं नहीं सर, नहीं कह रहे सर, थोड़ा जुल्म ना करें। आप क्या कह रहे हैं कि आपकी ग्लासेस के टिंटेड ना उतारे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ चालान करते मैं खुद उतार लूंगा। नहीं, आप फिर अपने हाथ से उतारे इसको। अभी वो लाइट जो है सर वो तो महंगी है ना, वो नहीं, लाइट महंगी है तो इलीगल है, आप मैं हटाऊंगा। नहीं, ठीक होगी लाइट सर, नहीं कह रहे सर, लाइट ठीक होगी। तो आप ये आप अब ये बता रहे हैं कि कुछ सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के अंदर और ये वो गाड़ी ये कभी कभार ड्राइव करते हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा चलान कर दो, लेकिन जो गाड़ी के ग्लासेस हैं उसके टिंटेड जो है उसको ना उतारा जाए। लेकिन अब आप देख सकते हैं फर्दर कार्रवाई जो है इनके खिलाफ हो रही है और पुलिस की लाइट्स भी आगे जो है फ्रंट डेस्क पे जो है वो इन्होंने लगाई हुई है और ये भी कहना है कि वो लाइट्स ना उतारी जाए, वो खुद उतारेंगे। दैट मीन्स कि अभी उतार के वो रख लेंगे, उसके बाद जो है वो दोबारा जो है इसको इंस्टॉल करके इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं फर्दर, आप देख सकते हैं जो कार्रवाई हो रही है इनके अगेंस्ट, जो भी लीगली कार्रवाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके अगेंस्ट बताया ये जा रहा है कि चालान काटा जाएगा टिंटेड ग्लासेस का, फैंसी नंबर प्लेट का और विदाउट ड्राइविंग जो है लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग करने का। और अब उस अगर गाड़ी के कागजात नहीं होते तो इस गाड़ी को वो कह रहे हैं कि इस गाड़ी को सीज भी करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो चालान हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो किए जा रहे हैं, उसके बाद जो ड्राइवर थे उनका ये कहना था कि टिंटेड ग्लासेस ना उतारे जाएं, लेकिन अब जो है टिंटेड ग्लासेस भी जो हैं वो उतारे जा रहे हैं और जो पुलिस की लाइट है यहाँ पे पुलिस अफसरान का ये कहना है कि उसको भी जो है सीज किया जाएगा। तो जो शहरी कराची के इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर स्पेशली विदाउट परमिट जो है हम देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर टिंटेड ग्लासेस होते हैं और ये पुलिस की लाइट है, आप देख सकते हैं कि जो कि निकाली जा रही है गाड़ी में से, ये पुलिस की लाइट है जो लगी हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि जो
आम शहरी हैं क्या वो भी कानून नाफिज करने वालों की जो ये लाइट्स होती हैं पुलिस की वो अपनी गाड़ियों पे लगा सकते हैं, लेकिन अब जो है इस गाड़ी से ये लाइट निकाल ली गई है, तो क्या ये अभी गाड़ी के इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं सर, वो तो चालान कर रहे हैं, जो हमें जो अनऑफिशियल चीज़ें लगी थी वो हमने सीज कर दी हैं, पेपर रिमूव कर रहे हैं, बड़े जाके जमा करा। सही, जैसा कि आपने देखा कि लाइट भी रिमूव कर दी गई है और टिंटेड ग्लासेस जो हैं उनके टिंट्स को भी रिमूव किया जा रहा है और प्रॉपर जो है इनके चालान्स भी कर दिए गए हैं, और दूसरी जानब जो इनकी गाड़ी के ऊपर फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई थी वो उतार दी गई। अच्छा ये बताइए इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट कहाँ है? इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट एक्सीडेंट हुआ है, सारी उखड़ गई, वो नंबर प्लेट जो है पड़ी हुई आगे से। अच्छा, आगे से आप देख लें, मैंने नहीं, तो ये पीछे की नंबर प्लेट कहाँ है? पीछे की फैंसी है, आगे से तो उखड़ गई वो, तो पीछे वाली ओरिजिनल नंबर प्लेट कहाँ है इसकी? तो अभी विदाउट नंबर प्लेट ये गाड़ी लेके जाएंगे, ओके। सही, फैंसी नंबर प्लेट भी रिमूव कर दी गई है गाड़ी से, और यहाँ पे ये कहना है इनका कि चालान दे के इनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। और क्या गवर्नमेंट की जानिब से क्या प्रोटोकॉल है कि कब तक इनको जो है दोबारा अपनी नंबर प्लेट ये लगाएंगे अपनी गाड़ी पे? भाई इनका काम है इसको लगवाना, अगर इनको वहाँ से शिकायत इशू नहीं हुई है तो ये उसके लिए जो इनकी जो ऑथोराइज जो नमूना पास हुआ उस तरह की नंबर प्लेट लगाएं, वाइट अजरक वाली वो लगवा लें। ओके, तो अगर तो इनका लेटर होना नहीं, इसके बाद जरूरी है कि नंबर प्लेट नॉट इशू। ओके, तो ये इनका ये कहना है कि अगर नंबर प्लेट इनके पास नहीं है तो ये एक्साइज से उसकी डुप्लीकेट जो है वो दोबारा निकलवा के वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर गाड़ियों के अगेंस्ट क्या एक्शन हो रहा है। आबिद कायम खानी साहब, ये बताइए कि सिंध हुकूमत की जानब से जो है वो फैंसी नंबर प्लेट्स हों, टिंटेड ग्लासेस हों, या हम देखते हैं कि लोगों ने जो इलीगल पुलिट्स की लाइट्स लगाई हुई होती हैं गाड़ियों के अंदर, इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ट्रैफिक पुलिस को भी और सिंध पुलिस को भी कि सिंध के तमाम अज़ला के अंदर जो है वो टिंटेड ग्लासेस जो हैं गाड़ी इनके शीशे के ऊपर से टिंट्स रिमूव किए जाएँ और फैंसी नंबर प्लेट्स भी रिमूव की जाएँ। तो इस हवाले से ज़रा बताइए कि क्या डायरेक्शंस, क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं आपको सिंध हुकूमत की जानिब? इसमें हमें जो डायरेक्शंस मिली हैं उसमें ये है कि क्योंकि ये ज़्यादातर जो ग्रीन नंबर प्लेट हैं, फैंसी नंबर प्लेट हैं या रिवॉल्विंग लाइट हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नंबर या जीपी के नंबर या पुलिस के नंबर लगा के प्लेट्स जो हैं वो घूम रही होती हैं, वो ज़्यादातर यानी जो हैं बड़ी गाड़ियाँ जैसे 1800 सीसी, 2000, 3000, 4000, 5000 सीसी की लैंड क्रूजर गाड़ियाँ, और इस्पेशली कराची में इनका फ्रीक्वेंटली ये हो गया था कि वो उनको वो कोई पूछने वाला ही नहीं था, और ऐसा माहौल था जिसके अंदर जो है एक एजेंसी के तौर पे जैसे ट्रैफिक पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो उनसे भी वो ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। तो सिंध गवर्नमेंट ने इसमें जो है बड़ा एक सख्त फैसला किया कि इसके ऊपर हमने बिला तफरीक अमल दरामद कराना है और इस पर कार्रवाई करनी है, जिसमें ये टिंटेड ग्लासेस हों, फेक फैंसी यानी नंबर प्लेट्स हों, और उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करनी है। तो आपने देखा होगा कि ये 31 अक्टूबर से मुहिम चली है जो हमारे IG सिंध के ऑर्डर से, और उसके बाद एडिशनल IG हैं कराची और DIG ट्रैफिक कराची के अहकाम के मुताबिक हम उस पर सख्ती के साथ अमल कर रहे हैं। और इसमें आप खुद देख रहे हैं कि जो रिस्पांस हमें मिल रहा है, हम बड़ी कोशिश के साथ बाअख्लाक तरीके से जो हमने ब्रीफिंग दी है अपने जवानों को, एहलकारों को, अफसरानों को कि किसी के साथ कोई बदमस्की के बगैर, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस रखना है। आपने ये नहीं देखना कि वो कौन है, क्या है, कितना ताकतवर है और क्या अपना नाम या हैसियत यूज़ कर रहा है, उसको एक तरफ रखते हैं और इसके ऊपर जो है बिला तफरीक अमल दरामद करें। तो जैसा कि आपने कहा कि अनकंडीशनली और बिला तफरीक जो है वो आप लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दूसरी जानब आपने ये भी कहा कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं
उनके ऊपर देखा जाता है कि ज़्यादातर अब एक ट्रेंड चल पड़ा है, रुझान है कि जो बड़ी गाड़ी है उसके ग्लासेस टिंटेड हुए हुए नज़र आते हैं। तो ज़रा व्यूअर्स को ये भी बताइए कि अब तक कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स हैं आपके पास कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर के कितनी गाड़ियां जो हैं उनके ख़िलाफ़ चालान किए हैं, या कितने ऐसे ड्राइवर्स हजरात थे जो कन्फ्लिक्ट कर रहे थे आप लोगों से, और अगर नहीं कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी बात नहीं मानते तो कितनी गाड़ियाँ हैं जो आप लोगों ने कंपाउंड की हों, बंद की हों? ये मैं आपको फिगर पूरी, क्योंकि कराची पुलिस की ही तर्जमानी कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मैं आपको पूरी कराची ट्रैफिक पुलिस की जो कारकर्दगी है वो बयान कर देता हूँ कि 31 अक्टूबर से लेके और कल 7 अक्टूबर तक की जो हमारी जो कैंपेन है अगेंस्ट जो इनके खिलाफ फेक फैंसी नंबर प्लेट्स और ग्रीन और रिवॉल्विंग लाइट्स हैं या इस किस्म की जो वायलेशन है ट्रैफिक की वायलेशन जो मखसूस ये जो टॉप में जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी हमें हुक्म दिया, उसमें हम 10,000 से ज़ायद चलान कर चुके हैं मुख्तलिफ इनमें टिंटेड ग्लासेस में, फेक में, ग्रीन में। और इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा कि जो है वो जिन्होंने यानी बिल्कुल ही वायलेशन की उसके मुताबिक वो ना रुके, जैसे बड़ी हैवी ट्रैफिक की गाड़ियां हैं उन्होंने जो है वो मतलब तेज़ रफ्तारी की वजह से वो ख़तरनाक साबित हो सकती थी या वन वे वायलेशंस कर रही थी, उन गाड़ियों के ख़िलाफ़ भी 31 अक्टूबर से लेके और 7 नवंबर तक कल तक का फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि उनमें हमने FIR भी दाखिल की है और 34 FIR हम अभी तक दाखिल कर चुके हैं, उससे ज़ायद FIR बल्कि। और इसके अलावा उनको मुलजमान को उन ड्राइवर को गिरफ़्तार भी किया है और लॉकअप भी किया है। Okay, सर ये बताइएगा कि आबिद साहब गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाती कि अगर एक चीज़ इलीगल एक्टिविटी, हम देखते हैं कि शहर भर के अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं मेजॉरिटी ऑफ देम वो टिंटेड ग्लासेस के अंदर ही इस तरह की एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, तो गवर्नमेंट को आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इसको कम्प्लीटली परमानेंटली तौर पर टिंटेड ग्लासेस को जो है वो बैन कर दिया जाए? बिल्कुल मेरी ज़ाती राय भी है और गवर्नमेंट का भी यही होगा इकदाम, जो गलत है वो तो गलत है। अगर टिंटेड ग्लासेस जो सिर्फ क्या कैंपेन के लिए गलत हैं या फेक फैंसी नंबर प्लेट, तो ये कैंपेन जो है वो कंटिन्यू रहे और इसका ये एक फ़र्ज़ बने पुलिस के ऊपर भी कि अगर इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ होती हैं ज़्यादातर जो जराइम पेशा अफराद होते हैं वो एक तो दिखावे के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं टिंटेड ग्लासेस, मुलजिम अपने आप को सिक्योर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, फेक नंबर प्लेट से वो धोखा दे सकता है पुलिस को, हम लोगों को, तो इस वजह से ये कंटिन्यू रहे और इसका तसलसल जो है वो सिर्फ कैंपेन तक महदूद नहीं रहे, ये हम जारी रखना चाहेंगे और जारी रहेगा इंशाल्लाह, इस पर कार्रवाई होती रहेगी। Okay, जैसा कि आपने सुना कि आबिद कायम खानी ट्रैफिक पुलिस से जिनका ताल्लुक है, इनका ये कहना है कि इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं उनको कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ाया जाए ताकि जो शहर के अंदर क्राइम रेट है वो कम हो सके। आइए चलते हैं डिफरेंट साइट्स के ऊपर और देखते हैं कि कितनी गाड़ियां जो हैं वो टिंटेड ग्लासेस हुई हुई हैं और शहर कराची में घूम रही हैं, और दूसरी जानब जो ट्रैफिक पुलिस की जानब से ये क्रैकडाउन किया जा रहा है वो भी हम आपको चल के दिखाते हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है हर 2-4-6 महीने बाद जो है एक ऑर्डर्स पास किए जाते हैं कि शहर भर के अंदर जितनी गाड़ियां जो कि टिंटेड हैं और जिन गाड़ियों के ऊपर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाई गई हैं उनको रिमूव कराया जाए। उसकी असल वजह ये बताई जाती है कि शहर कराची के अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें आप कह लें ड्रग स्मगलिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या इलीगल जितनी भी वारदातें होती हैं, हमारी जब पुलिस हुकाम से बात होती है तो उनका ये कहना है कि शहर कराची के अंदर 99.9% जो इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो टिंटेड ग्लासेस गाड़ियों के अंदर की जाती हैं। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इन टिंटेड गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है
क्या एक्शन कर रहे हैं। दूसरी जानब जब हमारी शहरियों से बात होती है तो उनका ये कहना होता है हाँ कि पुलिस वाले हमें रोकते हैं और चंद पैसे लेके जो है छोड़ देते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं पुलिस वाले वो इन गाड़ियों के अगेंस्ट क्या एक्शन ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सिंध गवर्नमेंट की जानब से जो है टेंटेड ग्लासेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? सही लगाइए मगर हमारा तो स्किन प्रॉब्लम इसलिए मैंने बताया। तो सर क्या आपके पास परमिट है इसका टेंटेड ग्लासेस का? अभी फिलहाल तो नहीं, हमने कराने दिया हुआ। अब ये आपका चालान कर रहे हैं तो क्या इससे पहले भी आपको कहीं ट्रैफिक पुलिस ने रोका है? नहीं मैंने अभी करवाया। आपने अभी करवाए? सही। तो सैटरडे वाले दिन ओके। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने अभी गुज़श्ता दिन पहले जो है इन्होंने ये ग्लासेस टिंटेड कराए हैं। अब पुलिस वाले जो हैं वो इनका चालान भी काट रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब आप ये भी देख सकते हैं कि फ्रंट्स के ऊपर भी जो है वो लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर फैंसी नंबर प्लेट नहीं है। इनका भी चालान जो है वो कर दिया गया है। आइए चलते हैं दूसरी जानब। क्या आपके ग्लासेस के टिंट्स रिमूव किए थे पहले किसी ने? जी सर। क्या चला? अभी मिलीनियम पे किए। चालान किया? जी जी। नहीं चालान नहीं किया उसने, अभी उतरवा लेना, मैं आगे से उतरवाने जा रहा हूँ सर। तो क्या उसने आपको वार्निंग देके छोड़ दिया? जी, वार्निंग देके उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा आगे से। तो कब से ही आपकी गाड़ी के ग्लासेस टिंटेड है? पता नहीं सर, मैंने तो गाड़ी ऐसी खरीदी नहीं। कितना टाइम हो गया? पता नहीं सर, भाई की गाड़ी है, मुझे नहीं आया। अच्छा, तो क्या आप इसको रिमूव कराएंगे? जी जी। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जी जी। तो क्या समझते हैं कि ये अच्छा एकदम है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये हमारे मुल्क के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि शहर कराची के अंदर जो 90% इल्लीगल एक्टिविटीज होती हैं वो टिंटेड ग्लासेस गाड़ियों के अंदर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। तो इससे पहले कभी ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका और पैसे लेके छोड़ दिया? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं याद। सही। तो आपने देखा व्यूअर्स के ये कह रहे हैं कि अभी इनका मिलेनियम मॉल के ऊपर ही ट्रैफिक पुलिस ने इनको रोका था और इनकी गाड़ी के ग्लासेस के जो टिंट थे उसको स्क्रैच भी किया है, लेकिन वार्निंग देके छोड़ दिया गया है कि और ये कहा गया है कि आप खुद जो है अब इसको रिमूव कर लें। कब से टिंटेड ग्लासेस हुए हैं आपकी गाड़ी के? ये अभी रिसेंटली ली थी, तब से ग्लासेस काले मिले हमें। अच्छा, तो आपको ये पता है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो टिंटेड ग्लासेस के अगेंस्ट जो है वो अब इन एक्शन हो गए हैं और ये टिंटेड ग्लासेस जो है इलीगल है? इलीगल है ये तो, लीगल थोड़ी। आपका परमिट है इसका कोई? नहीं कोई परमिट नहीं, 2013 से परमानेंट बंद है ये। तो मैंने बताया ना, गाड़ी अभी ली है तो रिसेंटली तो इसकी। सही। तो अब ये आपके टिंटेड ग्लासेस रिमूव भी करेंगे ये आपके? इनकी शुक्रिया, ये रिमूव करते हैं, हम तो चाहते हैं ये रिमूव करें, हम कौन सा कोई गैंगस्टर। ओके, जैसा कि आपने सुना कि ये ड्राइवर जो है इन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबली अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया ट्रैफिक पुलिस को और इनका ये कहना है कि अगर ये टिंटेड ग्लासेस ट्रैफिक पुलिस रिमूव करती है तो ही इज़ एग्रीड। आप ये बताइए कि कभी इससे पहले ऐसा हुआ है कि कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका हो और पुलिस वालों ने पैसे लेके छोड़ दिया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं टिंटेड में घूमता ही नहीं हूँ, सब क्लियर गाड़ी होती है हमारी। ओके, ये अभी रिसेंटली गाड़ी ली। ये एक और गाड़ी जो है ये रोकी गई है, इसका देखते हैं, इसका फ्रंट ग्लास जो है वो भी टिंटेड है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है टिंटेड ग्लास के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई गई है, तो क्या कहेंगी मैम? तो ये कब से गाड़ी आप लोगों की टिंटेड है? ये भी रिसेंटली ही करवाई है। ओके, तो भी मेरे हस्बैंड ने करवाई थी क्योंकि हम लोगों ने गाँव जाना था असल में। ओके, इस वजह से कराई थी। इन शाला बांट लेंगे और क्या होगा। सही।
तो क्या कभी इससे पहले ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपको रोका है और कभी आप पैसे वैसे लेके छोड़ा है? पैसे लेके तो नहीं, फिर चालान ही होता है जाहिर है। अच्छा, तो आप कंटिन्यूसली चालान कटवाते रहे? चालान कैसे कराओगे जब मैंने बोला कि अभी तो। आप अपने हस्बैंड को एडवाइस क्यों नहीं देती कि टेंटेटिव आदमी करवा दें? हाँ, तो ये जो लेडीज गाड़ी में बैठी हुई है, इनका ये कहना है कि इनके हस्बैंड ने ये गाड़ी के ग्लासेस टिंटेड करवाए हैं और कंटिन्यूसली अप एंड ऑन इनके जो है वो चालान होते जा रहे हैं और कह रही हैं कि बार बार चालान हो रहे हैं, लेकिन अब इनको ये एडवाइस दी गई है कि काइंडली आप अपने हस्बैंड को बोलें कि ये जो टिंटेड ग्लासेस हैं इसको रिमूव करवाएं, ताकि क्योंकि इनके बच्चे और ये जो खातून गाड़ी में बैठी हुई हैं, फैमिली ट्रैवल करती है और कंटिन्यूसली जो है पुलिस की जानिब से जो है इनको रोका जाता है और बार बार जो है वार्निंग दी जाती है। आइए चलते हैं दूसरी गाड़ियों की जानिब और देखते हैं कि और कितनी गाड़ियाँ जो हैं फैंसी नंबर प्लेट्स और जो टिंटेड गाड़ियाँ हैं वो शहर के अंदर मूव कर रही हैं। हम देख रहे हैं अभी ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो इन एक्शन नज़र आ रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद कि जितनी गाड़ियाँ टिंटेड हैं उनके ग्लासेस भी, टिंटेड ग्लासेस भी उतारे जाएं। आइए चलते हैं। बिल्कुल, एक गाड़ी को और रोका गया है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। नंबर प्लेट तो इनकी लीगल लगी हुई है लेकिन ग्लासेस जो है इनके टेंटेड है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कब से आपके शीशे काले हुए हैं? सर ये ऐसे ही होते हैं। कब से करवाए हैं? गर्मी की वजह से लगवाते हैं। गर्मी की वजह से लगवाए हैं, हुकूमत की जानिब से इस पर पाबंदी है, क्या कहेंगे? गलती है हमारी। नहीं, इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका है कहीं? जी रोकते हैं, लेकिन तो क्या ट्रैफिक पुलिस वाले कभी ऐसा भी हुआ है पैसे लेके छोड़ दिए हो? सर ये तो पाकिस्तान का कानून है, हम खुद भी इनको वो करते हैं कि हमारे साथ था, क्योंकि गर्मी है, इस गाड़ी में इतनी क्वालिटी नहीं है जो गर्माइश को रोक सके। लेकिन टिंटेड गाड़ियों के अंदर जो है पुलिस हुकाम का ये बताता है, उसमें बताया ये गया है कि बहुत इलीगल एक्टिविटीज होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नजर आता है, आप देखें ये फुल नहीं है, मतलब नजर आना चाहिए। तो इस इकदाम को क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से? ये अच्छा इकदाम है, बिल्कुल ठीक है। सर आप ये देखें कि इसमें नजर आ रहा है, अगर नजर ना आए तो फिर चालान होता है फुल के। सही, ठीक है। इनका ये कहना है कि ये जो टिंटेड हुए हैं बहुत लाइट टिंटेड है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सी थ्रू है, इसके अंदर भी नजर आता है, लेकिन इनकी गाड़ी के भी जो टिंटेड ग्लासेस हैं उसको रिमूव किया जा रहा है और इनका जो है वो चालान भी काटा जा रहा है। जी आज की कार्रवाई के हवाले से जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ डीएसपी भादराबाद ट्रैफिक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से, या कि जो जिन गाड़ियों के ऊपर जो है ग्लासेस प्रिंट कर किए गए हैं। ये बताइएगा कि जब से गवर्नमेंट की जानिब से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं तो डेली की बुनियादों पे कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आप लोग रोकते हैं, उनके टेंशन आते हैं? असल में हमारे आईजीपी साहब कुरानी मेहमान साहब, आईजी साहब अहमदाबाद सीमा साहब और हमारे एसएसपी साहब अली अकबर साहब, इनकी हिदायत के मुताबिक हम रोज 4 घंटे जो है ना ये नाका लगा के चेकिंग करते हैं। टेंटेड ग्लासेस, ग्रीन नंबर प्लेट, ब्लू नंबर प्लेट और अपना पुलिस लाइट होता फायर जवान ऑफिसर लगाए हुए होते हैं, उनके खिलाफ सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। उसमें यह है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं उनको चेक करते हैं। बाहर गाड़ियों में लेडीज़ होती हैं, हम उनको ऑन करके भी छोड़ देते हैं। बाद में मरीज होते हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम होती है, उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं, तो उनको भी हम ऑन करते हैं कि सर अभी इसके खिलाफ मुहिम का आर्डर है तो बरए मेहरबानी आप इसको रिमूव करवा दें, या आर्मी तौर पर जो पर्दे लगते हैं कपड़े के वो सन शेड लग रहा है। तो कितनी गाड़ियां ऐसी आपको दिखाई देती हैं शहर के अंदर जिनके अंदर ग्लासेस भी टिंटेड हों, और हम क्योंकि ये भी देखते हैं कि टिंटेड ग्लासेस के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर जो है वो टिंटेड ग्लासेस गाड़ियों के अंदर की जाती हैं, तो अभी तक कितने केसेस आपने ऐसे देखे हैं टिंटेड ग्लासेस गाड़ियों के अंदर जो है इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं? देखिए ये तो अपनी हमारा काम ट्रैफिक का है और हम लोग उसको रिमूव करते हैं, उसको चालान करते हैं। बाकी ये जो हमारा इलाका पुलिस होती है, अगर कोई ऐसी क्रिमिनल चीज़ पाई जाती है जो
पाकिस्तान पेनल कोड के तहत काबिले गिरफ्तारी हो तो फिर वो उसके ऊपर जाके एफआईआर सबमिट करते हैं। दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम पहले भी टिंटेड गाड़ियों के खिलाफ जो है गवर्नमेंट इन एक्शन हुई थी, लेकिन शहरी ये भी कहते हैं अक्सर कि ट्रैफिक पुलिस को हम पैसे देते हैं और बआसानी जो है हम चले जाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब एक आदमी काम करता है तो उसमें अच्छाई के साथ बुराई भी मिलती है, किसी को मोबिलाइज नहीं करते हैं, वो हमसे मिसबिहेव करता है और हम उसका चलान कर देते हैं तो वो उसका रिएक्शन तो आता है, ये उसका एक रिएक्शन कह सकता हूँ मैं। बाकी आपने खुद किया, आपके सामने मौजूद ये मैं सबसे चलान किए हैं, जितने रिक्वेस्ट की जिसके साथ कोई जेन्यन प्रॉब्लम था, स्किन प्रॉब्लम था या उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट था या कोई और सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से उसके पास कोई चीज़ थी तो हमने उसको वार्न करके छोड़ ही दिया। सही, तो अब ये एक ब्लेम लगा देना तो सर ये तो हम नहीं कह सकते ना, किसी को भी लगा चलता हुआ आ रहा है ये। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे DSP ट्रैफिक जो है उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ट्रैफिक पुलिस जो है इनकी कोशिश है कि इसको भरपूर तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन जब इनसे ये भी पूछा गया कि जो शहरियों की जानिब से एक रिजर्वेशन दी जाती है कि ट्रैफिक पुलिस जो है अक्सर पैसे लेके छोड़ देती है, तो उस पर उनका ये कहना है कि जिन लोगों को हम अब्लाइज नहीं करते फिर वो बाद में जो है ये एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का जो पुलिस का सिस्टम है वो किस हद तक करप्ट है और किस हद तक नहीं करप्ट है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है आपको एक और माफिया को एक्सपोज करेंगे, देखना ना भूलिए नेक्स्ट एपिसोड माफिया।